हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। देखेंगे राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को ये ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, इसमें ओवरऑल फाइव पार्ट थे जिसमें से फोर पार्ट हम यहां करा दे रहे हैं, एक पार्ट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, हमें एपी बनाने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस जो कि यहां पर गिवन है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट हो गया, सेकंड टर्म कैसे आएगा, डी को फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे आपका सेकंड टर्म आ जाएगा। अब थर्ड टर्म कैसे आएगा, सेकंड टर्म में आप डी को फिर वापस से ऐड करेंगे थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड में डी ऐड करेंगे फोर्थ मिलेगा, फोर्थ में डी ऐड करेंगे तो आपका फिफ्थ मिलेगा। इस टाइप से आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। ओके, तो देखेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड क्या होगा, डी को ऐड करो इसमें, तो डी को ऐड करेंगे, पहले हम सीरीज देख दे रहे हैं, आप समझ रहे हो, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी, क्योंकि इसमें भी डी ऐड करेंगे तो डी प्लस डी टू डी बन जाएगा, कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा ए प्लस फोर डी। ठीक है, इस टाइप से आप सीक्वेंस बना सकते हैं। तो देखेंगे ए मतलब टेन, ए प्लस डी यानी कि टेन प्लस ये आपका सॉरी आपका 20 हो गया, फिर D ऐड करेंगे यानी कि 30 हो गया, फिर D ऐड करेंगे 40 हो गया, 50 डॉट डॉट। ठीक है, सेकंड टर्म देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका, आपका D के A कितना है -2, D कितना है 0, यानी कि इसमें तो आप कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एवरी टर्म आपके कितने रहने वाले -2। आप पूछेंगे क्या सर ये भी एपी है, हाँ बिल्कुल एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, थर्ड टर्म देखेंगे बेटा, थर्ड ये रहा थर्ड टर्म आपका, थर्ड सॉरी थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन का। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, 4 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपने लिखा 4, अब इसमें डी को ऐड करो, -3 ऐड करेंगे यानी कि 4 - 3 कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, वापस से इसमें -3 करेंगे तो आपका -2 बनेगा, इसमें वापस से -3 करेंगे तो -5 बनेगा, -3 वापस इसमें करेंगे -8 बनेगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा आप लोग, फोर्थ पार्ट क्या है जिसका कॉमन डिफरेंस आपका हाफ है और फर्स्ट टर्म आपका कितना है 1 है। ठीक है, -1 अब -1 में आपको कितना ऐड करना है, यहां पे लिख दे रहा है सेकंड टर्म, -1 में आप हाफ ऐड करो, 2 इधर गया तो -2 +1/2 यानी कि -1/2 बचेगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म आपका आ गया -1/2। अब सेकंड टर्म में आप क्या कर रहे हैं, 1/2 ऐड करेंगे, -1/2 में +1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, अब 0 में आप हाफ ऐड करेंगे 1/2। ठीक है, वापस से हाफ ऐड करेंगे, हाफ में हाफ यानी कि आधे में आधा यानी कि 1 बनेगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देखेंगे आप लोग, देखें बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो एपी गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड के आपके फोर पार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड फोर्थ पार्ट यहां लिखा है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस गिवन है उसमें से आपको क्या फाइंड करना बेटा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखना अच्छे से समझना बेटा, ये सीक्वेंस है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म तो आपका दिख रहा है ये है, लिख दो ए इक्वल टू कितना आपका 3। अब हमें क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, डी मतलब t2 - t1 यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड यानी कि 1 में से आप 3 को माइनस कर रहे हैं, 1 - 3 बेटा कितना हो जाएगा -k2। ठीक है, कितना हो जाएगा -k2। ठीक है, अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट, यही पूछा आपको और कुछ नहीं पूछा इसमें,
सेकंड पार्ट, फर्स्ट टर्म तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू गिवन है कितना माइनस फाइव, डी क्या होगा दिस यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट, तो d इज इक्वल टू माइनस वन माइनस ऑफ माइनस फाइव, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म खुद ऑलरेडी माइनस का है, ठीक है, तो माइनस वन माइनस वन प्लस के फाइव कितना बचेगा यहां पे देखो बेटा, माइनस वन और प्लस फाइव तो फोर बचेगा, ठीक है, डी डी आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखेंगे, ये रहा फर्स्ट टर्म तो यही है, यानी कि ए कितना है आपका वन अपॉन थ्री, डी देखेंगे डी यू पर कितना है फाइव अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है कि नहीं, एलसीएम ले लो थ्री तो फाइव माइनस वन यानी कितना बचा देखें फोर अपॉन थ्री, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखेंगे, फर्स्ट टर्म तो आपका लिखा ही है ए यूपर्स टू जीरो पॉइंट सिक्स, डी देखेंगे इसका डी कितना होगा वन पॉइंट सेवन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स, ठीक है, सेवन में से सिक्स माइनस करोगे कितना बचेगा वन पॉइंट पॉइंट वन में से जीरो वन, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका वन पॉइंट वन। तो ये आपके फोर चार के चार पार्ट डिस्कशन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे आप लोग। देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, राइट थ्री मोर टर्म्स। बोल रहा है कि जो गिवन सीरीज है अगर वो एपी है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस आपकी एपी है या नहीं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस है या नहीं, ठीक है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी जितना टर्म हमें गिवन है उसकी बात के थ्री टर्म्स और लिखें, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो आप समझते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे सॉरी, फर्स्ट हमने सीक्वेंस को देखा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो कम से कम आप दो डी फाइंड करें, डी वन D1 देखेंगे, D1 क्या होगा T2 माइनस T1, ये आपका T1 है और ये T2 है, ये T3 है, ठीक है, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 4 माइनस K2 यानी कितना बचा 2, ठीक है, D2 निकाल के देखो T3 माइनस T2, T3 कितना आपका 8 माइनस 4 तो 4 बचा, D2 और D1 क्या इक्वल है, नहीं, यानी कि आप यहां से कह सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू You can say that D1 is not equal to D2, so that is called first sequence is not a AP, not represent a arithmetic progression. Okay? Second part देखेंगे इसका. D1, D1 is equal to 5 by 2 minus 2. Okay? 5 minus 4 upon 2, यानी कि 1 upon 2. D2 देखेंगे. D2 is equal to 3 minus 5 by 2. तो 6 माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 2, तो यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस d1 और d2 देखने में इक्वल है, यानी कि d1 इक्वल टू d2, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस इज अ एपी, ओके। अब ये एपी को रिप्रेजेंट करता है तो इसके बाद के आपको थ्री टर्म्स लिखने हैं, यानी कि थ्री टर्म्स आगे कैसे लिखते हैं, जो गिवन टर्म है उसमें d ऐड करो, फिर d ऐड करो, ऐसे d ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म आपको मिलता जाएगा। इसके बाद का टर्म हमें लिखना है यहां वाला, तो क्या करना पड़ेगा आपको 7 by 2 plus half करो, तो ये कितना हो जाएगा 2 LCM लिया यानी कि 8 upon 2, ठीक है, ऐसे लिखो अभी 4 मत लिखो, यानी कि यहां पे आपने लिख दिया इसके बाद का 8 upon 2, इसके बाद का लिखना है यानी कि आपको इस वाले टर्म में वापस से हाफ ऐड करना पड़ेगा, तो देखो 8 upon 2 plus 1 upon 2, 2 आप LCM ले लो, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 plus 1 यानी कि 9 by 2 आ जाएगा, ठीक है, वापस से आप इसमें D add करो, यानी कि 9 by 2 plus half, तो ये आपका 10 upon 2 हो जाएगा, देख लो, तो यहाँ पे आपका 10 upon 2 आ गया,
सीक्वेंस मिल गई। नेक्स्ट ये वाला आप सर्च करना है आपको, D1 इक्वल टू माइनस के 3.2 माइनस के 1.2, क्योंकि T2 माइनस T1 इतना पूरा है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 3.2 और प्लस 1.2। अब 3. इसमें से माइनस कर दो, ये माइनस बड़ा वाला नंबर हो रहा है तो यानी कि ये तो नेगेटिव तो बच ही गई, ठीक है समझना। कितना बच रहा है आपका 0.0 और 1.2 यानी कि 2.0, ठीक है। नेक्स्ट D2 निकालेंगे, D2 दिस यानी कि माइनस के 5.2 और प्लस के 3.2, तो यहां से देखो कितना बच रहा है, माइनस के 2 बच रहा है। D1 इक्वल टू D2, दैट इज फॉर गिवन सीक्वेंस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी है। अब इसके बाद के टर्म हमें लिखने हैं तो आप समझ सकते हैं, एवरी टर्म में आपको 2 ऐड करना है यानी कि माइनस के 9.2 हो जाएगा, फिर ऐड करना है तो माइनस के 11.2, फिर 2 ऐड करना है तो माइनस के 13, माइनस के 13.2। नेक्स्ट आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसके देखेंगे, अभी इसमें बहुत पार्ट है, ठीक है समझेंगे आप अच्छे से। देखें बेटा नेक्स्ट आपके 4 पार्ट और मैंने लिए हैं, ठीक है, 4th, 5th, 6th, 7, इनके सॉल्यूशन देखें आप। फर्स्ट पार्ट ये हमें पता है, तो D1 D2 में निकालने में इंटरेस्ट है। D1 क्या होगा, T2 माइनस T1 यानी कि माइनस के 6 और माइनस माइनस के 10, T2 माइनस T1 माइनस T1, T1 खुद ऑलरेडी इतना पूरा है, ठीक है, तो देखिए माइनस 6 और प्लस के 10, कितना बचा यहां से 4 बचा। D2 देखो उल्टा कितना आएगा, T3 माइनस T2, T3 माइनस के 2 माइनस T3 सॉरी T2 T3 माइनस T2, T2 कितना माइनस 6, तो माइनस 2 और प्लस 6 कितना हो गया 4। तो यहां से आप देखेंगे D1 और D2 आपका इक्वल है, यानी कि ये AP को रिप्रेजेंट करता है, D कितना है 4। तो आप आगे के टर्म देख सकते हैं, ये 2 में 4 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, 6 में फिर 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, फिर 4 ऐड करेंगे 14 आएगा। फिफ्थ टर्म देखेंगे आप, फिफ्थ पार्ट, ठीक है, डी निकालना है D1, तो T2 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 गया कितना आ गया रूट 2, D2 देखो 3 प्लस 2 रूट 2 सही ना, माइनस T3 माइनस T2, T2 कितना दिस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया। रूट 2 को कुछ मान लो, मान लो ये एक लड़की है, रूट 2 का नाम मैंने रख दिया लड़की, तो 2 लड़की और 1 लड़की, 2 लड़की में से 1 लड़की चली गई, ठीक है, कितनी लड़की बची, 1 लड़की यानी कि रूट 2। तो यहां पे भी आप देखेंगे D1 इक्वल टू D2 मिल रहा है आपका, यानी कि ये भी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना रूट 2, ठीक है समझना। आपका लास्ट टर्म ये है 3 प्लस 3 रूट 2, 1 रूट 2 और ऐड करेंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा, 1 रूट 2 और करेंगे, ठीक है ऐसे करना है, तो 3 प्लस 4 रूट 2, 1 रूट 2 और ऐड करो 3 प्लस 5 रूट 2, एक रूट और करो 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है डॉट डॉट डॉट, समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब हम, सिक्स्थ पार्ट ये रहा, ठीक, तो D1 देखें 0.2
टू में से माइनस क्या करना हमें, पॉइंट टू, यहां कुछ नहीं जीरो पड़ा, इसको माइनस करना है। देखो टू जीरो पॉइंट जीरो, डी वन निकला है, डी टू देखो कैसे निकाले, डी टू इक्वल टू, अब इस वाले में से ये माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखो जीरो पॉइंट ट्रिपल टू माइनस क्या करना, जीरो पॉइंट डबल टू, पीछे कुछ नहीं जीरो बढ़ा दो माइनस करो, यहां से देखो टू जीरो जीरो पॉइंट, तो ये डी टू है, ये डी वन है, क्या डी वन और डी टू इक्वल दिख रहे हैं, नहीं, यानी कि ये एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होता है, ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट पार्ट ये देखेंगे, सेवन पार्ट, सेवन देखेंगे, डी वन देखो, डी वन कितना होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि माइनस फोर माइनस जीरो, माइनस फोर ही रहेगा, डी टू देखो, डी टू क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि माइनस एट माइनस माइनस फोर, तो माइनस एट प्लस के फोर कितना बचेगा, माइनस फोर, ठीक है, तो यहां भी डी वन डी टू इक्वल है, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके आगे के थ्री टर्म्स लिखने हैं। अब आपको क्या करना है, माइनस के ट्वेल्व, ठीक है, माइनस के ट्वेल्व में आपको माइनस फोर एड कर देना, तो कितना हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन, फिर माइनस फोर एड करो, माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक है, समझना, ठीक है, माइनस छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, माइनस में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बारह चार, ठीक है, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं कैसे भी करके, ठीक है, सोलह, फिर सोलह में चार ऐड करो, फिर बीस, बीस में चार चौबीस, इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे सेवन पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम और देखें।